मोदी जी का परिवार कौन है? आप हैं क्या परिवार, ये बताइए। सब लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले कि मैं मोदी का परिवार हूँ। मोदी जी का भतीजा है, भतीजी है, कि मोदी जी का चचा है, कि चाची है, कि बहन है, कि घरवाली है, कौन है ये? आप नहीं है मोदी का परिवार, बिल्कुल नहीं है। उनको प्रधानमंत्री मानेंगे, परिवार क्यों मानेंगे जी? क्या मोदी जी मेरे पापा के भाई लगते हैं? क्या मोदी जी को हम कभी राखी बांधने गए हैं? तो क्यों वो परिवार के दोनों राष्ट्र बनाएंगी भाजपा? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। वो एक लॉलीपॉप है, कि लॉलीपॉप के नाम पे हिंदुओं को हम बहला रहे हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप जो है ना, बस बहलाने के लिए है। क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री खुद बोलते हैं, और यहाँ तक मोदी जी भी बोलते हैं। मोदी जी का एक वीडियो देखे है ना जी, वो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। तो ये जहाँ भी जाते हैं, क्या कभी मोदी जी को बोलते सुने हैं कि हम मुस्लिम लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे? तो बाकी लोगों को भोंकने दीजिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका गया है और 7 चरण में लोकसभा चुनाव इसमें होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार करिश्मा सिंह है, इनसे जानेंगे क्या होगा 24 में क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए और तेजस्वी यादव भी बिहार में जनविश्वास यात्रा किए। देखिए, चुनाव बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि जहां तक देखा जाए कि जैसे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में लोग जुड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग अब ऐसा सोचने लगे हैं कि हमको रोजगार पे वोट चाहिए, काम पे वोट चाहिए, विकास पे वोट चाहिए, ठीक। दूसरी ओर देखिएगा कि इन सब से पड़े कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं, जो सब कुछ को पीछे छोड़ के धर्म को आगे ले जाते हैं। कि भैया जो मंदिर बनवा दिए, मोदी जी का क्या है, हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर के उनका तो यही काम तो करते नहीं है, सबको जानता है। 5 किलो राशन से पेट तो सबका भरने वाला है नहीं, तो इनको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। कभी ये राम मंदिर को ले आएंगे, कभी ज्ञानवापी को ले आते हैं, अभी CA को लिया है, कि किसी तरह से मतलब लोगों का दिमाग पढ़ लिए है कि ये लोग भटकते। वो बोलते हैं ना कि अंग्रेज भी भटकाए थे तो धर्म के नाम पे ही, तो ये भी वो काम कर रहे हैं कि भटकाएंगे तो धर्म के नाम पे ही भटकाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर EVM है, आपको भी पता है कि EVM से वोट होगा तो वोट की तो हेरा फेरी होगी। जब EVM के बैलेट पेपर पे हुआ था ना जी चुनाव, कहाँ पे बैलेट पेपर पे मेयर का चुनाव हुआ था ना, छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ बताइए? बैलेट पेपर पे भी ये लोग, CCTV कैमरा नहीं रहता, वहाँ पे भी ये लोग चोरी कर रहे थे। तो हम कैसे विश्वास कर ले कि EVM पे चोरी नहीं किया जाएगा? लोकसभा में EVM का खेला होगा। EVM अगर हटा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या लगता है फिर से मोदी हैट्रिक मार लेंगे? सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, बहुत सारे जगहों पे चुनाव हुआ, वोट जीता कौन था ये बताइए? भाजपा जीती। भाजपा कैसे जीती? कांग्रेस उससे 1 लाख वोट ज्यादा लेके आई थी, लेकिन ये लोग गठबंधन को जोर बोलते हैं कि हम लोग अकेले पार्टी हैं, तो कहां से लोग जुड़ जाते हैं और वो लोग जुड़ के हराई। अकेले भाजपा तो नहीं हरा पाई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग तो खुल गया है। तो लेकिन फिर भी EVM से वोट होगा, तो अब धीरे धीरे देखिए चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन अब लोगों का धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन बोला जाता है ना आजादी दिलाने में भी बहुत टाइम लगा था, तो हो सकता है कि हमारे देश को फिर से आजाद करवाने में भी टाइम लग जाए। मतलब देश अभी आजाद नहीं हुई है? अब फिर से तो 14 के बाद हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं ना, गुलाम होते जा रहे, बिल्कुल होते जा रहे। क्या होगा 24 में, क्या होगा एग्जैक्ट? EVM हटेगा तभी कुछ हो सकता है। बाकी आप देख लीजिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो बहुत बड़ा खेला ये होगा, अगर भाजपा जीत भी जाती है तो ये लोग बहुत क्षेत्र से हाथ धो बैठेंगे, बहुत जगह इनका वोट कटेगा, वो कंफर्म है। वोट तो कटेगा ही, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। जीत भी जाएगी तो जैसे ये दावा जो कर रही है ना कि 400 सीट पार, वो कभी नहीं हो सकता है। इनका सीट और घटेगा, भले ही जीत जाए लेकिन सीट घटेगा, 400 पार नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने कौन सा काम किया है भाई 400 पार होने वाला? 170 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, एक सुनिए ना, 370 हटा दिए। क्या आपको अच्छे से नहीं पता 370 किनके लिए हटा है? अडानी जी के लिए हटा है। कोई गरीब आदमी वहां पे जाके कितना करोड़ का जमीन लिया है बताइए तो?
कोई गरीब आदमी वहाँ पे जमीन लिया जी, वो हटाए किसके लिए? अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए हटाए, क्योंकि वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बाकी और किसके लिए? क्या वहाँ पे अभी तक, सुनिए, 370 हटने के बाद क्या लोग वहाँ के हमारे सैनिक चाहे कोई भी वहाँ डर के नहीं रह रहे हैं? अब 370 हटा और क्या बात, राम मंदिर, तो राम मंदिर तो आस्था की चीज है भाई, आस्था को राजनीति से दूर धर्म के नाम पे वोट आप भी करते हैं क्या? क्यों करेंगे धर्म के नाम पे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आस्था राजनीति दोनों अलग चीज है। हिंदू राष्ट्र बनाएगी भाजपा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। आप एक इंटरव्यू देखे होंगे अमित शाह का, उसमें अमित शाह ने खुद अपने मुंह से बोला है कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, ये धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष वो एक लॉलीपॉप है कि लॉलीपॉप के नाम पे हिंदुओं को हम बहला रहे हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप जो है ना बस बहलाने के लिए है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री खुद बोलते हैं, और यहाँ तक मोदी जी भी बोलते हैं। मोदी जी का एक वीडियो देखे है ना जी, वो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। तो ये जहाँ भी जाते हैं, क्या कभी मोदी जी को बोलते सुने हैं कि हम मुस्लिम लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे? तो बाकी लोगों को भोकने दीजिए, आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी कभी ऐसा नहीं बोले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र तो बनने की बात ही यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं हम कि कुछ भी हो सकता है, तो मोदी अगर हार जाते हैं चुनाव तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल मंदिर, वो तो बोले हैं, मेरा क्या है, हम झोला उठाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? अब वो तो बहुत सारी चीजें झूठ भी बोले, कभी बोलते हैं हम घर पे नहीं रहते थे, फिर उनका फोटो आता है, कभी कोई बड़े मंत्री के साथ दिखाई देते हैं, कभी कोई बड़े मंत्री के साथ दिखाई देते हैं, कभी बोलते हैं हम पढ़े हुए नहीं है, कभी उनका डिग्री आ जाता है, कभी बोलते हैं मेरी बीवी नहीं थी, सडनली से बीवी भी आ जाती है। तो लालू यादव ने भी कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। क्या लालू यादव ने बोला? परिवार क्या होता है? पति पत्नी उनके बच्चे और दादा दादी चाचा चाची। हाँ। तो मोदी जी का परिवार कौन है? आप क्या आप हमारे परिवार हैं? व्यक्तिगत रिश्ता हो सकता है, अच्छा किसी से रिश्ता हो सकता है, लेकिन परिवार कहाँ से हो जाएंगे? क्या लालू जी के तरह, लालू जी का बेटा है तेजस्वी यादव, बेटी है रोहिणी आचार्य, बेटी है मीशा भारती, तो लालू यादव को तो परिवार है, तो क्या लालू यादव गलत बोले? मोदी जी का परिवार कौन है? आप है क्या परिवार, ये बताइए। सब लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले कि मैं मोदी का परिवार हूँ, पोस्टर लगा रहे हैं गाड़ी में। मोदी जी का भतीजा है, भतीजी है, कि मोदी जी का चचा है, कि चाची है, कि बहन है, कि घरवाली है, कौन है ये? आप नहीं है मोदी का परिवार, बिल्कुल नहीं है। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं, परिवार नहीं मानते। क्यों हम उनको प्रधानमंत्री मानेंगे, परिवार क्यों मानेंगे जी? क्या मोदी जी मेरे पापा के भाई लगते हैं? क्या मोदी जी को हम कभी राखी बांधने गए हैं? तो क्यों वो परिवार, क्यों प्रधानमंत्री है, उनको पद दिया गया है प्रधानमंत्री का। जो लोग बोल पोस्ट लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूँ, उन लोगों को क्या? स्मृति ईरानी जी लगा रही है ना, ठीक है लगाने दीजिए। खेला हो जाएगा 24 में, देखिए खेला हो चाहे ना हो, लेकिन सीटें कमेंगी, सीट कमेंगी। शुक्रिया करिश्मा। तो ये करिश्मा सिंह है, इन्होंने साफ कहा कि देश का माहौल खराब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात रही मोदी का परिवार का, तो मोदी का परिवार बोले हम क्यों होंगे मोदी का परिवार, मोदी का परिवार स्मृति ईरानी होगी। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।